हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना कर दीजिए और उससे भी 2 मीटर ज्यादा, उसमें 2 मीटर जोड़ दीजिए, उतनी क्या है लेंथ है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अब लेंथ और ब्रेथ क्या है पूल की, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं जिससे हमें बोर्ड पर स्पेस मिल जाए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स मीटर। चलिए Let the breadth be x meter. Breadth को हम x meter मान लेते हैं। तो अगर breadth x meter है तो length क्या हो जाएगी question के according? हमारी length हो जाएगी 2x plus 2 meter, क्योंकि बोला था इन्होंने breadth का twice कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, उससे भी 2 meter ज्यादा, मतलब उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपकी, लेंथ कितना ले लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x plus 2 meter। लेंथ हमारी क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x plus 2। क्यों हो जाएगी, आपके समझ में आ रहा है ना, ये मीटर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो लेंथ है 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मतलब पहले ब्रेथ का दुगना करना है। ब्रेथ हमने जब x माननी है तो ब्रेथ का दुगना हो जाएगा 2x, और उससे भी 2 ज्यादा, 2 मीटर ज्यादा, मतलब प्लस 2, तो लेंथ हो जाएगी 2x plus 2 meter। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। पेरीमीटर कितना बताया गया है, पेरीमीटर ऑफ द पूल इज इक्वल्स टू 154 मीटर। ठीक है, 154 मीटर पूल का पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 into L plus B इज इक्वल्स टू 154 मीटर। तो देखिए हमने ब्रेथ x मान ली थी, लेंथ भी हमको पता चल गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लेंथ भी बना ली। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिख दिया है 2 into L plus B। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर पूल था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 into L plus B। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन था 154 मीटर। अब हम फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। 2 into लेंथ की वैल्यू क्या 2x plus 2, ब्रेथ की वैल्यू क्या थी एक्स मीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई में, इसको इधर अगर लेकर जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो और यहां पर भी हमें दिख रहा है 2x plus x, दोनों राइट टर्म्स है ना, तो 2x plus x इज इक्वल्स टू 3x plus 2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लेकर जाएंगे हो जाएगा डिवाइड में, 154 डिवाइडेड बाई 2 मीटर है ना, तो लिख लेते हैं। तो देखिए 2 sevens are 14, यहाँ पे 1, ये भी 14 बन गया, तो फिर से 2 sevens are 14, 77 मीटर हो गया। 3x, और ये देखिए ये प्लस का 2 है ना, इसको इधर लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा 77 माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 77 में से 2 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 75, और ये इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 77, ये बचा 75, 77 में से 2 माइनस किया 75 बचा, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में था और इधर हम ले आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में 3 मीटर। चलिए अब इसको देखिए, टेबल पढ़िए 3 की, इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 6, कितना इधर गया 1, इधर गया ये हो गया 5, 3 5 15,
थ्री वन जो थ्री कट गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 25 मीटर। इतना क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आ गया हमारा 25 मीटर x की वैल्यू। तो अब इसी से हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएंगी। चलिए इसी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जब हमें पता था कि x हमने ब्रेथ मानी थी, तो इसी के आगे से हम लिख दें इज इक्वल्स टू ब्रेथ। यही हमारी ब्रेथ है। अब देखिए ब्रेथ हमको मिल चुकी है, लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ हमने क्या मानी थी, 2x प्लस 2 मीटर, यही थी ना। अब देखिए x की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, तो 2 इंटू x की वैल्यू है 25, 25 प्लस 2, ठीक है ना, 25 टू ज 50 प्लस 2 मीटर, 50 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 52 मीटर। ब्रेथ हमारी 25 मीटर, लेंथ 52 मीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।